जो ज़ोंबीज़ में मुझे मूवी पसंद आई थी, तो सबसे पहले जो मैंने मूवी देखी थी वो रेजिडेंट ईविल थी। और सच में इस मूवी ने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला था मुझे ज़ोंबीज़ मूवी के इस सेक्टर के अंदर। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ये मूवी। इसके स्टार्टिंग के जो दो पार्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद थे, और फिर इसके बाद मुझे जो पसंद आई, जिसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, आई एम लेजेंड मूवी के बारे में, जो 2007 में आई थी। तकरीबन ये मूवी 1 घंटा 40 मिनट लंबी है, और इस मूवी में मेन रोल में आपको नजर आएंगे विल स्मिथ। तो अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। एक वायरस जो है वो फैल जाता है, जिससे लोग ज़ोंबीज बन जाते हैं। वैसे ज़ोंबीज ना कहें तो अलग ही जीव बन जाते हैं, ऐसा कहना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये जो अलग जीव बनते हैं ये इंसानों को तो खाते खाते हैं, लेकिन ये धूप में नहीं निकल सकते। इनकी कमजोरी है कि धूप में नहीं निकलेंगे, बस अंधेरे में रहेंगे, और जैसे ही अंधेरा होगा इनका आतंक जो है वो पूरे शहर में फैल जाता है। फिलहाल जो है वो विल स्मिथ इस पूरे शहर में, न्यूयॉर्क शहर में अकेले रह जाते हैं। सारे के सारे जो लोग हैं वो इस तरीके के जीव में कन्वर्ट हो जाते हैं, और विल स्मिथ अपने डॉग के साथ दिन में निकलते हैं इस उम्मीद में कि यार कोई इंसान तो बचा होगा जिससे ये बात कर पाए। और इस कोशिश में, इस उम्मीद में वो कोशिश करते रहते हैं, बार बार रेडियो पर सिग्नल भेजते रहते हैं, लेकिन ऐसा उन्हें कोई मिल नहीं पाता। और जो विल स्मिथ ये एक्शन कर रहे हैं, बार बार बाहर जा रहे हैं, अपने लिए खाना लेने जा रहे हैं, जैसा माहौल हो गया है, एकदम सुनसान इलाका है। और जब वो बाहर जाते हैं, जब आप इस मूवी को देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि यार ये जो बाहर जा रहे हैं, इनको कोई देख रहा है, इनके ऊपर कोई नजर रख रहा है, और बस ये उम्मीद में है कि बस इनसे, विल स्मिथ से एक गड़बड़ हो जाए, इनसे एक कोई गलती हो जाए, ताकि उस गलती का वो फायदा उठा सके। और सच में ये वाली जो चीज है, जब आप ऐसा फील कर रहे होगे जब मूवी देखोगे, तो आप बस यही उम्मीद करोगे कि यार ये जो है वो वापस घर पे आ जाए सही सलामत, तो किसी के भी हाथ में ना आए। और ये जो का जो माहौल है, मेकर्स ने बहुत बढ़िया से रिप्रेजेंट किया है इस मूवी के अंदर। और ये इसमें जिस तरीके के जो ज़ोंबीज दिखाए गए, वैसे फिर से बार बार ज़ोंबीज कह रहा हूँ, लेकिन इनको ज़ोंबी कहना ज़्यादा सही नहीं लगता मेरे अकॉर्डिंग, आप इनको कह सकते हो। लेकिन जो ये हैं वो धूप में नहीं निकल सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि बस ये दिन के अंदर, मतलब बिल्कुल अंदर ही रहेंगे, इनको बिल्कुल अंधेरा ही चाहिए, ऐसा नहीं है, परछाई में बाहर आ सकते हैं। ये वाला एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर दिखाया गया है। और विल स्मिथ इस मूवी में साथ ही साथ इस वायरस का तोड़ भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मूवी आपको इमोशनल भी कर देती है। खैर वो बताने वाला नहीं हूँ वो इमोशनल सीन क्या है, क्योंकि इससे आप लोगों का इंटरेस्ट खराब होगा और मुझे गालियां पड़ेंगी, वो मैं नहीं चाहता। वैसे मूवी काफी ज्यादा पुरानी है और काफी लोगों ने इसको देख भी रखा होगा, बट फिर भी रहने देते हैं यार, स्पॉइलर चला जाएगा। तो अब इस मूवी में अगर हॉरर की बात करूं तो हाँ, बेशक इसके जो मेकर्स हैं इन्होंने अच्छे से हॉरर हमारे सामने मतलब बनाया है, उन्होंने डर का माहौल बनता है। सपोज यार कि आपको पता है कि ये दिन में आप आसानी से निकल सकते हो, जब तक आपके मतलब सूरज है, सूरज देवता ऊपर है, रोशनी आपके ऊपर है, तब तक आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आपको पता है कि यार अंधेरे में वहां पर कोई बैठा गया, वहां पर खड़ा है, आपको देख रहा है, बस वो जो चीज है यार, वो सच में इतना डर का माहौल क्रिएट कर देती है। जब सच ये उस चीज को मैं बताने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जब आप मूवी देखोगे तब आप उसको खुद समझोगे, कुछ फील करोगे कि यार हाँ यार ये जो डर है सच में लग रहा है यहाँ पर। बाकी की जो ज़ोंबीज़ मूवी है उसमें वैसा फील नहीं होता जैसा इसमें हुआ। मैंने कहा ना, देखो यार रेजिडेंट ईविल में मुझे हॉरर फील हुआ था जब मैंने पहली बार वो ज़ोंबीज़ जो वायरस जो फैलता हुआ देखा था, और फिर इस मूवी के बाद मुझे ऐसा फील हुआ। और ये मूवी ऐसा नहीं कि मैंने अभी देखी है, बहुत पहले मैंने देख ली थी, और इसको दोबारा से देखने का मन किया जब आर्मी ऑफ द डेड जो मूवी आई थी नेटफ्लिक्स के ऊपर, उसको देखा जब मैंने, तो मुझे लगा कि एक बार फिर से विल स्मिथ की जो आई एम लेजेंड मूवी है उसको फिर से देखा जाए। और आई एम लेजेंड जब मूवी आई थी, इसके तुरंत बाद, तुरंत क्या कुछ टाइम बाद, लोगों के अंदर इतना क्रेज हुआ कि आई एम लेजेंड 2 को लेकर काफी ज्यादा रूमर फैलने लगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई थी इसकी, जो इसकी सेकंड मूवी आएगी ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको भले ही यूट्यूब पर आई एम लेजेंड 2 के लगे हुए थंबनेल मिल जाए, लेकिन वहां पर आई एम लेजेंड 2 है ही नहीं, मतलब आई ही नहीं है, तो इस चक्कर में कहीं सर्च मत करने बैठ जाना। और इस मूवी के अंदर काफी सारे सीन है जो डर का माहौल क्रिएट करते हैं, इमोशनल भी करते हैं, सस्पेंस भी है, तो इन सबको अगर आपको फील करना है तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 8 out of 10 स्टार। और अब बात करें कि हिंदी डब में मिल जाएगी, हाँ ये हिंदी डब में है। अगर जिन्होंने ये मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। अगर जिन्होंने नहीं देखी तो आपको एक अलग टाइप का जोनर देखना है। इसमें ज़ोंबी सेट के काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि ये जो अलग टाइप के जो जीव हैं ये काफी फुर्तीले हैं, पावरफुल है, बस इनको एक तरीके का इनके अंदर वीकनेस दिखाई गई है, तो अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। वायरस का तोड़ भी निकाला जाता है और इमोशनल भी हमें कनेक्ट कर देती है, काफी कुछ नया है। अगर ऐसी मूवी देखनी है तो आप जाकर ये मूवी जरूर देखें। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।